ताली बजा कर कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है। देखो ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति कथा सुन रहे हो या तो आप कहां पर बैठे हैं, बांके बिहारी की गोद में बैठे, अगर किसी समय किसी की मृत्यु का समय आ जाए, मरने का समय आ जाए, जब तक तुम ये कथा में बैठ रहोगे यहां से तुम्हें कोई नहीं ले सकता, कोई भी तुमको यहां से उठा कर नहीं ले सकता, आंख आंख भी तक नहीं देख सकता। क्योंकि जो भगवान की जो कथा है बोले हरी कथा है, हरी कथा है मतलब हरी कहाँ है, बोले हरी केवल कथा है, हरी और कहीं नहीं है। कृष्ण स्वयं कहते हैं मत भक्ता चंद्र गायत्री तत्र तिष्ठा भी नारद, नारद को मैं एक जगह पर रहना हूँ जहाँ मेरी कीर्तन या कथा हूँ, ठाकुर कहीं नहीं रहते। इतने ये कथा के प्रभाव है, वहां गया देखा भैया ये तो कथा में बैठा हुआ है, कथा सुन रहा है, वहां स्वागत चला दिया। बोले देखो वो एक घंटा कहीं कथा सुना था इसलिए एक घंटा स्वर्ग का आया था। बोला बोले भैया ये स्वर्ग को भोगा नहीं, ये तो सीधा जा रहे कथा में बैठा है, अगर और एक घंटा कथा सुन लिया तो कितना घंटा स्वर्ग हो गया, उसको दो घंटा स्वर्ग हो गया ना। आप जो कथा में बैठता है ना आप उसको उठा नहीं सकते, भगवान के गोद में बैठा हुआ है। जब हम तो देखा भैया थोड़ा चाला ये तो चिंता कथा में बैठी है दो घंटा तक इंतजार करते रहे, लेकिन उसने जब देखा कोई आ ही नहीं है लेने के लिए तब जाएगा ना, वो तो वहां से उठाई वो जम करके बैठी है। हाँ देखो कथा सुनने का क्या बल, देखो प्रसन्नता श्री कृष्ण कथा पुण्य श्रवण कीर्तन। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनते हैं आप कथा किधर से सुन रहे, कानों से, प्रभु दोनों कानों से प्रवेश करते हुए हृदय में जाकर के विराजते हैं। उदाहरण दिया सुरभी की सत्ता, जैसे तुम्हारी घर में तुम्हारी बहुत कोई प्यारा दोस्त आया, देखा एक कुर्सी पड़ा हुआ लेकिन कुर्सी में धूल जम गया है, वो नहीं बदलेगा अपना दोस्त दोस्त इसको तो साफ करते में बैठेगा, वो क्या करेगा अपना रुमाल निकालेगा साफ करके बैठ जाएगा। फिर उसी तरह हमारा सबसे प्यारा दोस्त कौन है बताओ, कौन सबसे प्यारा दोस्त है, तुम्हें तो माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव कौन है, ठाकुर जी ये सबसे हमारे प्यारा दोस्त है। जब नरक का कीड़े बन जाते हैं ना विष्टा की, तभी ठाकुर जी हमारे साथ रहे, ये दुनिया तो चला जाएगा है? ये दुनिया बड़े स्वार्थ है, ये दुनिया में कोई दोस्त नहीं। बोलेगा आप कैसे हैं, बोले जब तक जेब में तुम्हारी पैसा है। बोलेगा आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा पैसा है आप नहीं, बोले तुम कौन हो, आप नहीं तुम कौन हो, इतने ही स्वार्थ वाला जगत है। सबसे हमारा प्यारा दोस्त ठाकुर जी है, इसलिए हृदय में जाकर के अगर कोई काम क्रोध होना ठाकुर जी अपना रुमाल निकाल कर साफ करके हृदय ठाकुर जी बैठ जाते हैं, वो कथा सुनते 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 उसका हृदय निर्मल हो गया, वहीं से सीधा उसने वैकुंठ से रथ आया और बैठ कर सीधा अपने ठाकुर जी के पास में चले गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल देखो अगर कोई व्यक्ति अज्ञान में भी एक घंटा कथा सुने ना उसका क्या करे, भगवत धाम कहते अगर कोई श्रद्धा पूर्वक कथा सुनो तो मन लगा करके भक्ति भावना से आप सोच नहीं सकते, जब ऊपर जाओगे ना जब जब मान चित्र में तो काफी बोलेगा सब निकलेगा, इसी मंदिर में बैठ कर देखने ये भागवत कथा दुनिया की कोई दुनिया की कोई बात नहीं मिलेगा वहां पर, लेकिन एक चीज मिलेगा वहां पर अपने मंदिर में बैठ कर ठाकुर की कथा सुनाए भगवान की कथा सुनाए। और ये जो चीज ना बैठते रहे इसलिए बिरा कहती है ना दीना दीना भरत सहायो आयो जी मैंने राम रत धन पायो है, इसलिए भक्ति में बड़ी शक्ति है। इसलिए भगवान की जो कहते हैं तीसरा अवतार से नारद जी रूप में हुए हैं, इसलिए नारद जी वो बच्चों को प्रश्न कर रहे हैं, उनका पहला प्रश्न था क्या प्रश्न था, सभी का जीवन का चक्र घूम रही है लेकिन जो व्यक्ति हरि नाम करते हैं कथा सुनते हैं ठाकुर को सेवा पूजा करते हैं ना इनकी जो काल चक्र बंद है मतलब इनका परमात्म नहीं हो रहा। इनकी दूसरा प्रश्न है बता दो ऐसे कौन सा नदी है जो एक साथ में दो तरह से बहते हैं,
बताओ कौन सा नदी है जो एक साथ में नदी कोई नदी देखेगी नहीं, पानी एक तरफ से बहते हैं। उनका प्रश्न है कौन सा नदी है जो एक साथ में दो तरफ में नदी बहती है, बता सकते हो कौन सा नदी? कभी जन्म और ये मृत्यु, ये जन्म और ये मृत्यु है। हम जितना एक तरफ में बैठते बैठते जा रहे हैं ना, हम दूसरी तरफ में उतना हर पर कम होते जा रहे हैं। इधर तो बैठते बैठते जा रहे हैं, दूसरे तरफ में कम होते होते जा रहे हैं, ये जन्म और मृत्यु। बोले बताओ तो ऐसे कौन सा बीज है जो बीज में एक बार घुस जाओ, जो बीज से निकलने का रास्ता नहीं, वो बीज से और निकल नहीं सकते। बता सकते हैं कौन सा ऐसे बीज है जिसमें घुस जाओ तो निकल नहीं सकते हो? बोलिए धरती से, ये संसार है। हम सोचते हैं अगर बच्चों को लिखाई पढ़ाई कर देंगे ना, बच्चा हो जाएगा तो आदमी ना मिलेगा, बच्चा हो गया मतलब बच्चे को अगर लिखाई पढ़ाई कर देगा हमारा समस्या हो जाए खत्म हो जाएगी। बच्चे का अगर अच्छी नौकरी कोई मिल जाएगा समस्या खत्म हो जाएगी, नौकरी मिल गई मतलब कोई अच्छी छोरी को शादी मिला समस्या खत्म हो जाएगी, शादी करा दिया फिर बच्चा नहीं, बच्चा कब होगा, बच्चा कब बच्चा होगा, सोचते हैं और समस्या हल हो जाएगी, बल्कि और इतना जटिल कठिन में फंसते फंसते जाते हैं। पहले तो बच्चे को शादी देने से पहले कहीं सत्संग से इधर उधर घूमने चले जाते हैं, लेकिन जब बच्चे को साथ नाती बोली हुई है ना, बहू को लेकर टोकरी इधर उधर घूमती रहती है, बच्चे को पकड़ लेती है, इधर उधर सत्संग में घूमती रहती है, फिर ताना वाले की रोटी फेंक करके बैठती है। आप देखना, आप सोच रहे हो शायद देखोगे तब नहीं संसार का समस्या बढ़ते बढ़ते जाएगी, बढ़ते बढ़ते उतना समस्या ये संसार ऐसे एक बीज है जिसमें एक बार फंस जाओ ना, मरने का पहला कदम में श्वास लेने की चेत लेने रास्ता शुरू नहीं कि घर की रस्ती है। इसलिए उन्होंने बोले भैया आप बताओ पिताजी का क्या आदेश है हमारे प्रति? बोले पिताजी का एक आदेश है स्मर्तक व सतत और विष्णु भी स्मर्तक राजा पिता भगवान ने बोले एक ही आदेश दिया बेटा, हर समय मेरी चिंतन करते रहे, हर समय मेरी भजन करते रहना, और करना नहीं किया कभी भगवान को भूलो, ठाकुर जी को भूलना नहीं कभी, और ठाकुर जी को कभी स्मरण छोड़ना नहीं, यही भगवान के आदेश है। इसलिए श्री नारद जी भगवान की ये तीसरा अवतार है, और तो भगवान की चौथा अवतार है वह श्री नर नारायण है। ये नर नारायण रूप में ठाकुर जी बद्री का आश्रम पर, ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं बद्री का आश्रम पर, बद्री का आश्रम पर गए बहुत सुंदर स्थान है, इतने बढ़िया स्थान है उधर जहाँ पर गंगा बह रही है, जहाँ पर जमुना, जहाँ पर केदारनाथ है, जहाँ पर बड़ा सुंदर मनोरम स्थान है, बढ़िया प्यारा स्थान है। जीवन में भगवान वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, बोले भगवान क्यों तपस्या कर रहे हैं? तपस्या तो इंसान करेगा, भगवान ठाकुर कौन तपस्या कर रहे हैं? बोले कारण है भगवान को बता दे कि कलयुग का जो जीव है ये तपस्या नहीं कर सकता। ठाकुर जी ने कहा देखो तुम्हारे लिए मैं तपस्या करता हूँ, एक बार केवल बद्रीनाथ में जाए और एक बार श्री बद्रीनाथ को दर्शन कर लो, ठाकुर जो तपस्या कर रहे हैं वो तपस्या का जो छठवां भाग का फल जो केवल ठाकुर का दर्शन करेगा उसका अपना मिल जाए, केवल उनको दर्शन मात्र से, तुम्हें कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल बद्रीनाथ में जाओ केवल ठाकुर का दर्शन कर लो। श्री बद्री विशाल की ऐसे हुई को भगवान की चपी से अवतार की कथा सुनाए, लेकिन ये सुनाते सुनाते उन्होंने ये बताए कि देखो जो कृष्ण है ना वो भी भगवान के अवतार है। बोल करके डर गए, बोले क्यों? बोले कि कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण ये अवतार नहीं है,
तो काठमंडी आज घर चल तू आज काठमंडी तो घर इसलिए कृष्ण अवतार नहीं कृष्ण कौन है ये अवतारी अवतारी का मतलब क्या है बोले जिनसे सारे अवतार आते हैं ये जो कृष्ण है ये सोलह कला में परिपूर्ण ये कृष्ण है जिसको नंद बाबा श्री ब्रह्मा जी कहते हैं बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण बोले कृष्ण कौन है बोले सभी का कारण का जो मूल कारण है ये भगवान श्री कृष्ण है ये सबसे बड़े ठाकुर भगवान कृष्ण देखने पर लगते हैं तो लड्डू गोपाल है छोटे से लेकिन है तो छोटे से लेकिन ये बड़े खोटे से देखने में छोटे हैं लेकिन ये खोटे हैं बोले जिनकी चरण को ब्रह्मा शंकर नारद इंद्र चंद्र जिनकी चरण की पूजा करते हैं ये भगवान श्री कृष्ण है इसलिए गुजरों का देवता कौन है गिरिराज बाबा है कौन है गिरिराज बाबा की जय और एक बाबा मोहन बाबा मोहन बाबा मोहन कौन कृष्ण ही ना मोहन बाबा और कोई नहीं है कृष्ण का नाम ही मनमोहन है कृष्ण का नाम ही मनमोहन है इसलिए तुम्हारी बुजुर्ग का देवता से मनमोहन मोहन बाबा तो कृष्ण ही तुम्हारी देवता लेकिन अभी भी कुछ कुछ बुजुर्ग लोग हैं ना पता नहीं कौन सा निरंकारी बाबा जो भगवान को मां कोई सत्संग में जाते हैं जिन सत्संग में भगवान भगवान नहीं मानते ठाकुर को पूजा सेवा नहीं मानते ठाकुर जी को भोग लगाना नहीं मानते ठाकुर ऐसे सत्संग नहीं वो असत्संग वो सत्संग नहीं ये असत्संग इसका मतलब तुम्हारी मैया जो करती थी उसकी मैया उसकी पिता को गलत कर रहे थे हमारे जितने पूर्वजों को देखो गिरिराज की पूजा करते थे जैसे आप जो नवरात्रि रख रहे हो नवरात्रि रखते थे कृष्ण की भक्ति करते थे है कि नहीं हर घर में लड्डू गोपाल क्या तुम्हारे बाबा की बाबा बाबा को गलत कर रहे थे और ये कोई बीच में आकर के ऐसे सत्संग है जो भगवान को पूजा नहीं मानते ठाकुर जी को भक्ति नहीं ठाकुर जी को भोग लगाना है ठाकुर का नाम नहीं जप करना नहीं हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी जो करते थे वो सही रास्ता करते हम अपना पूर्वजों का अनुसरण करें ऐसे नहीं नया कोई व्यक्ति आ गया नया कोई बात बोल दिया हम उसको पीछे पीछे भागने लगे नहीं अपना का इष्ट देव है गिरिराज बाबा मोहन बाबा गिरिराज बाबा है हम इन्हीं कहीं पूजा करते रहे ठीक है ना इधर उधर भटकना नहीं तो सही मार्ग से भटक जाओ हमारे गीता है हमारे रामायण है हमारा भागवत है हमारा देश है हमारे पुराण है हम कोई नई चीज का प्रति नहीं जाएंगे हमारी पिता की पिता की पिता की जो करते थे हम वही करेंगे ठीक है ना इधर उधर भटकना नहीं अभी नए नए सत्संग निकल रहा है जिसमें भगवान को निराकार मानते भगवान की पूजा नहीं मानते ठाकुर जी को पूजा नहीं मानते भक्ति नहीं करते ये सत्संग नहीं असत्संग इसलिए इससे दूर रहना हमारे पिताजी के पिताजी जो करते थे वही रास्ता करते ठीक है ना जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम तब श्री स्वर्णकार ऋषि ने प्रश्न करते हैं जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही है अगर किसी व्यक्ति को बोलो भैया भागवत कथा सुनने के लिए आओ अगर किसी छोटी मोटी कोई बिजनेस है कोई दुकान हो कोई बिजनेस हो बोले तो भैया मेरे पास में समय नहीं बोले क्यों बोले अपना काम है संसार है दुकान पकान है लेकिन इसी का प्रश्न है परिपति महाराज उसी समय में वो साधारण व्यक्ति नहीं थे चक्रवर्ती चक्रवर्ती मतलब है वो केवल भारत का राजा नहीं थे ये संपूर्ण ही पृथ्वी के ऊपर राजत्व कर रहे थे पहले ये पृथ्वी एक ही था पृथ्वी कोई अलग भी था पृथ्वी को ही अलग नहीं पृथ्वी एक ही था हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना है ऑस्ट्रेलिया कोई देश है उसका नाम ऑस्ट्रेलिया नाम क्यों पड़ा जैसे पांडवों का अस्त्र था इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया में जाता वहां पर एक स्थान का नाम बर्फ मतलब ये पार्थ अर्जुन का नाम पार्थ है उससे वो नाम का नाम पार्थ है
वहां पर एक स्थान का नाम ब्रिज बीन, जैसे आप ब्रजभूमि कहते हैं ना, उसका एक स्थान ब्रिज बीन, वहां में जाता हूँ। रसिया, रसिया मतलब क्या, ये ऋषि मुनि का आश्रम था, इसलिए उसका नाम था रसिया। इसलिए पहले की संपूर्ण पृथ्वी वो एक था, जिसको ऊपर में श्री परिकृति महाराज की, जिसको ऊपर भी राजत्व करते थे परिकृति महाराज। लेकिन इनका प्रश्न है, परिकृति महाराज ने सात सात दिन तक सब कुछ छोड़ कर उन्होंने सात दिन तक कथा के सुना। श्री सुखदेव गोस्वामी वो एक से एक सत्य थे, वो एक घर में कितने समय तक रुकते थे, बोले एक गैया को दोहन करने में जितने समय लगे उससे की ज्यादा समय के लिए टिकने वाले नहीं थे। रथ में जोगी बहते पानी, तो उन्हें प्रश्न करते हैं, अरे परिकृत महाराज जो पृथ्वी के ऊपर राजत्व कर रहे थे वो सात सात दिन तक कथा कैसे सुने? और सुखदेव गोस्वामी जो 16 साल तक कभी नहीं बोले, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोलना सात दिन तक उसने मुंह ही बंद नहीं किया। जैसा हम कथा सुन रहे हैं यहाँ पर, तीन घंटा चार घंटा पहले ऐसे नहीं थे, उन्होंने रात दिन लगातार ये सात दिन तक कथा चलते रहे। रात में कोई सोए नहीं, दिन में कोई सोए नहीं, खाए नहीं, वो सात दिन तक बैठ कर कथा सुनते रहे। हैं पहले कैसे होता था, कुछ दिन पहले कैसी कथा होती थी, अब देखे होंगे कोई भजन की खत नहीं, सबर चार घंटा शाम में चार घंटा कोई भजन एकदम पूरी कथा। अभी तो तीन घंटा कथा होती है, उसमें भी कोई पूरा नहीं आता है, फिर लास्ट में आते हैं, फिर तो फिर उसको बीच में फिर मन नहीं लगता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग तो बैठ कर ना पूरा दिन रात बैठ कर की कथा सुनते थे। बोले आप कृपा करके बताओ ये ग्रंथ क्यों बनाए, फिर ये सुखदेव गोस्वामी कैसे कथा सुनाई, अब उन्होंने क्यों ये ग्रंथ को बनाए, और जो मैंने पूछा और जो नहीं पूछा था, अब सबका कृपा करके हमें उत्तर प्रदान करो। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी अब इसका उत्तर देने जा रहे हैं। एक भजन सुन लो, एक भजन सुन लो, क्योंकि दोपहर में ना कुछ खाना खा कर गए ना, सब सब जम्भाई ले रही है, नींद भी आ रही है, अभी सोने का समय, अभी सब सब कथा में आ गया। एक भजन गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय।